हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। तो ये ना मैं अपने पापा की सेवा कर रही हूँ। बहुत सारी होते हैं ना, बोलते हैं हम अपने पापा माँ के पैर नहीं छूते, पर हम बचपन से ही मम्मी पापा दादी सबकी सेवा करते आए हैं। तो खाना वाना खा के पापा रेस्ट कर रहे थे, दोपहर का टाइम है, तो बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। सब मिलके पापा की सेवा कर रहे थे और उसके बाद पापा सो गए, और फिर शाम के लिए मैं पापा के लिए आज फादर्स डे स्पेशल है तो आ गई हूँ किचन में और कुछ स्पेशल बना रही हूँ। ये उबल रहा है इमली, ठीक ना, थोड़ा सा इमली, इसकी मैं चटनी बनाऊँगी गुड़ डालकर। तो पहले ये गाढ़ा हो जाए। और मैं ना ब्रेड की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना रही हूँ। ये वाइट ब्रेड है और इसी की बनेगी। ये थोड़ा सा नारियल है और मुझे चाहिए पनीर। तो पनीर घर पे है नहीं तो मैं इंस्टेंट पनीर, अभी घर पे ही दूध है थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा पनीर चाहिए। तो अभी मैं पनीर बनाऊंगी, ये नारियल, ये वाइट ब्रेड एंड इमली की चटनी और दही भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है कुछ, और ये रेसिपी मैं अपनी बुआ से सीखी हूँ। तो अभी जस्ट आप लोगों के साथ सब प्रिपरेशन करके आप लोगों से मिलती हूँ। ये तैयार हो चुका है दही, बहुत अच्छे से दही गाढ़ा कर चुकी हूँ। और देखो क्या क्या रेडी हो अभी तक, मतलब ये रेडी हो चुका है, कद्दूकस किया हुआ नारियल, कच्चा नारियल है, ना हो तो आप गोला भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा पनीर, होममेड पनीर अभी निकाली हूँ घर पे, पनीर नहीं था तो मैं दूध था ना, साथ ही साथ मैं इसको विनेगर डाल के फाड़ दी तो बन गया पनीर। ये जितना पीस ब्रेड है ना उतना पीस बनने वाला है। काली मिर्च पाउडर, काला नमक एंड भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर कम है अभी और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा चीनी एंड ये है इमली की चटनी अभी मैं बनाई हूँ। तो अब रेडी करते हैं, है तो देख सकते हैं आप, ये नारियल सब मिक्स करने जा रही हूँ अब। पनीर थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी ली हूँ, चीनी, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चीनी, काला नमक, नारियल और पनीर, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ मैं। ये स्टफिंग जाएगी हमारे ब्रेड के अंदर और बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ये। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ वो बता। बस एक ब्रेड के साइड वाले जितने ब्राउन पार्ट थे सब मैं चाकू से काट कर निकाल दी हूँ, और पानी में हल्का सा डिप करके, देखो इसके सारा पानी निचोड़ कर निकाल ली, और इसके बीच में जो पनीर का स्टफिंग बनाया था हमने, पनीर और गोले का कच्चा नारियल है, इसमें जो सब कुछ डाला था हमने, चुटकी भर सब कुछ डाली थी ना, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, हल्का चीनी, चीनी थोड़ा एक चम्मच के जैसा था, आधा चम्मच भी ले सकते हैं हल्का सा, तो ये खट्टा मीठा सा टेस्ट बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस टाइप के बड़े टाइप के शेप बना लूँगी, एक एक करके सबका इस टाइप से स्टफिंग भरेंगे और बड़े की तरह अच्छा सा गोलाकार शेप दे देंगे। ये छोटा साइज का ब्रेड था, आप बड़े साइज का ब्रेड लें तो भी और थोड़ा बड़े साइज का बन जाएगा ये बड़ा। तो देखो इस टाइप का पूरा क्रीमी फ्रेश दही है और कितना अच्छा लग रहा ना देखने में, और खाने में भी यकीन मानो खाने में भी इतना टेस्टी है ना, बहुत मज़ा आता, खट्टा, चटपटा, हल्का सा तीखा, सारा फ्लेवर आ जाता है इसमें। और थैंक यू बड़ी बुआ, मेरी बड़ी बुआ ये बहुत अच्छे अच्छे रेसिपी बनाती है और हमें खिलाती है और फिर हम भी सीख जाते हैं। तो बहुत ही शौकीन है वो खाना बनाने की और न्यू रेसिपी बनाती है, 70+ की हो गई हैं अभी भी उनकी रुचि है खाना बनाने में और बहुत अच्छा अच्छा यूनिक रेसिपी बताती हैं हमें। तो देखो ये रेडी है दही बड़े की तरह, और है ही इंस्टेंट दही बड़ा है ये। तो इमली की चटनी डाल दी हूँ, बच्चों के लिए मैं निकाल रही हूँ, तो ज़्यादा मिर्ची पाउडर वगैरह नहीं डाली हूँ, बस हल्का सा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक डाली हूँ और इमली चटनी डाल के पहले मैं बच्चों को दे रही हूँ। उसके बाद जितनी मर्जी आप इसमें मिर्ची पाउडर डाल लें और अच्छा से टेस्टी सा करके खा सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ट्राई करें। और किसी चीज़ की कुछ ना तेल वेल छानने वाने किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इंस्टेंट बनने वाला है और बहुत ही टेस्टी। तो ये मैं पापा को शाम को खिलाई थी, पापा जब सोकर उठे चाय वाय पी लिए, फिर फादर्स डे स्पेशल था तो ये मैं पापा को खिलाई थी, पापा को भी बहुत पसंद आती है ये रेसिपी। तो कंटिन्यू है मेरा ब्लॉग, और जो कि फादर्स डे वाले दिन आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें,
और इस रेसिपी के बारे में मेरी बुआ के लिए कमेंट ज़रूर करना। उनकी बताई हुई ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बनाकर आप देखना, बहुत ही टेस्टी है। तो हमारा ये सेवा का कार्यक्रम जारी है और अपनी बातें भी बता रही हूँ आप लोगों के साथ। तो हम ऐसे सेवा करते हैं अपने बड़ों की घर में और करनी भी चाहिए। ओके, बाय बाय।